मैं बहुत बहुत से आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो लोग प्रभु का वचन पकड़ते हैं, परमेश्वर का दास का आदर करते हैं, परमेश्वर का दास जो भी बोल रहा है नोट करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, ज़रूर वो आशीष पाएंगे। आपको अलग से कुछ भविष्यवाणी नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली आप ब्लेसिंग आशीष मिल जाएगा। क्योंकि जो लोग नीति और राज्य को ढूंढते हैं ऑटोमेटिकली आप ब्लेसिंग मिलेगा। जो लोग वो नम्र दिल से वचन सुनने के लिए आते हैं हाथ जोड़कर आशा के साथ, उनको सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने वचन पे परमेश्वर के दास का आदर किया, इज्जत दिया और उस समय को प्रभु के लिए उन्होंने अपने परिवार के साथ वचन सुनने आए हैं प्यार से। चर्च में आकर पास्टर्स को पूछते हैं, वो बाबा ने मेरे बारे में ये बोला कि तू 5 साल में दुबई जाएगा, ये करेगा वो करेगा, आप भी बताओ। क्या पास्टर और बाबा एक है? एक विश्वासी जब चर्च को रेगुलरली आता रहेगा, हर संडे आता रहेगा या शुक्रवार आता रहेगा, तो कुछ महीनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद धीरे धीरे परमेश्वर उसके बारे में, जब प्रार्थना करते रहेगा पास्टर उसके बारे में बताएगा प्रभु कि उसके अंदर ये कमियां हैं, उसको समझा, उसको सिखा, उसको बदलने के लिए बोल। ये मेरे हिसाब से जो मैंने अब तक देखा है, एक प्रोसीजर है परमेश्वर के पास। एक विश्वासी को चर्च में रखना चाहता है या उसको कुछ सिखाना चाहता है और पास्टर को उसके बारे में कुछ बोलने की आशा रखता है, तो पहले वो आए सुने, कदम कदम पे जब बढ़ता रहेगा तब प्रभु चर्च की स्टेटस बोलेगा कि चर्च में ये लोग है, इतने लोग आते हैं, इनका ये प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम का जवाब दे, कितने लोग मानते हैं सही है। तो धीरे धीरे कभी कभी परमेश्वर पर्सनली उनको बोलता है, बात कर, अकेले में बात कर कि इसको मैं आशीष दूंगा, इसको नौकरी दूंगा, इसको छुटकारा दूंगा, इसके घर में मैं एक आने वाले दिनों में काम करने वाला हूँ। इस तरह कुछ प्रोफेसिस भविष्यवाणियाँ परमेश्वर पर्सनली बोलने के लिए कहता है। वो कब कहता है? जब प्रभु बोलेगा तभी दास कहेगा। हमें कुछ जाकर दरवाज़ा टोक के खोल के नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर को लगेगा ये लोग मेरे पास आशीष के लिए आ रहे हैं लेकिन मुझसे प्यार करने नहीं आते, मेरी इच्छा जानने नहीं आते, मेरे स्वर्ग में जाने के लिए इनको आशा नहीं है। बाइबल में पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस, यदि हम सिर्फ सांसारिक आशीषों के लिए प्रभु यीशु को मानते हैं तो हमसे हीन लोग कोई और कोई नहीं है। प्रभु ने कहा जो लोग मेरा बात मानते हैं, मेरे वचन के अनुसार चलते हैं, यहाँ और स्वर्ग के राज्य में डबल ब्लेसिंग मिलेगा। मैं बहुत बहुत से आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो लोग प्रभु का वचन पकड़ते हैं, परमेश्वर का दास का आदर करते हैं, परमेश्वर का दास जो भी बोल रहा है नोट करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, ज़रूर वो आशीष पाएंगे। आपको अलग से कुछ भविष्यवाणी नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली आप ब्लेसिंग आशीष मिल जाएगा। क्योंकि जो लोग नीति और राज्य को ढूंढते हैं ऑटोमेटिकली आप ब्लेसिंग मिलेगा। ठीक है, तो आज भजन संहिता 119 में से कुछ वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 वचन 1 से लेकर, क्या ही धन्य है जो चाल के करे है और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है जो उसकी चितौनियों को मानते हैं, पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं, मतलब आज्ञाओं को। चर्च आना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, भजन गाना है, सेविकाई में भाग लेना है, प्रभु को दान देना है, सेवकों के साथ सेविकाई में चर्च में काम करना है, ये सब आज्ञाएं हैं, प्रभु ने दिया था। 6 दिन काम करो, 7वां दिन विश्राम दिन है, घर में मीटिंग्स रखना है, बंदगी लगाना है, उपवास प्रार्थनाओं में जाना है चर्च को, ये सब चितौनियाँ हैं, कमांड्स, स्टेटसेस। और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, जब प्रभु के पास आते हो पूरे दिल के साथ आना है कि आज प्रभु मेरे साथ क्या बात करने वाले हैं, आज मैं क्या सीखने वाली हूँ, आज मेरे जीवन में क्या क्या छोड़ना है, उसे सीखने के लिए आना है। वचन 3, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। जो लोग पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढते हैं वो कभी भी गलत काम नहीं करते अपने जीवन में, वो प्रभु के मार्ग पे चलते हैं। वचन 4 में लिखा है, तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाए। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाए, मतलब
फुल्ली ओबे, इंग्लिश में लिखा है यू हैव लेड डाउन प्रिसेप्ट्स दैट आर टू बी फुल्ली ओबेड, मतलब पूरे मान जाए, यत्न से मान जाए, मतलब पूरी तरह से मानना है। आज प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रभु को मानने वाले आधा प्रभु को मानते हैं, आधा संसार में रहते हैं। आधा भक्ति प्रभु में, आधा भक्ति संसार में। आधा लोगों की बात मानना, आधा प्रभु की बात मानना। जब आधा आधा करोगे तो भक्ति में भी विश्वास में भी आधा आधा ही रहेगा। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने। जब परमेश्वर का दास मंच पे बोलता है कि विश्वासी लोगों से ये सही है, ऐसा रहो, ऐसा मत रहो, अगर आधा आधा मानेंगे तो क्या होगा? आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे, पीछे चले जाएंगे। इसीलिए याद करो, जब भी आप वचन सुनते हो पूरी तरह से सीखना है, समझना है कि प्रभु मेरा जिंदगी बदला, पुराना जीवन मुझे नहीं चाहिए, मैं भक्ति में बढ़ना चाहता हूँ, मैं भक्ति में बढ़ना चाहती हूँ, कदम 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 मेरा विश्वास बढ़ाता रहे, मैं और भी आपके पास सीखूँ और भी आत्मिक जीवन में उन्नति बढ़ूँ, ऐसा आशा रहना है। यहाँ लिखा है जो लोग उपदेश मानते हैं, भला होता कि तेरे विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी। यहाँ लिखा है, भजनकार कहता है, भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी। मानने के लिए कोशिश करना है। कभी कभी शैतान हमें गिरा देता है, मैं समझता हूँ, लेकिन गिरा हुआ व्यक्ति उसी तरह गिरा नहीं रहना चाहिए, उठना है, करना है, आगे बढ़ना है। जो लोग आगे बढ़ते हैं, आशा है प्रभु मुझे आगे बढ़ा, मुझे ब्लेस कर, मेरा ज़िंदगी में मेरे बंधन से छुड़ा, मैं इसी पाप में इसी दलदल में नहीं रहना चाहता, कहने वालों को प्रभु हाथ देकर सहायता करता है। कोशिश करना है हर समय कि मैं सब आज्ञाओं को मानूं, प्रभु के मार्ग में चलूं। वचन साथ, जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मतलब जो व्यक्ति प्रभु की नियम को सीखता है, मतलब सीखना मतलब मानता है, फॉलो करता है, वही धन्यवाद कर सकता है पूरे मन से। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। अगर आप पूरी तरह से प्रभु की बात मानते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ प्रार्थना करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ गीत गाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ गवाही देते हैं। अगर आप प्रार्थना नहीं किए, बाइबल नहीं पढ़ते, या आप प्रभु से एक क्वालिटी टाइम नहीं बिताते, क्वालिटी टाइम मतलब जितना आप ऑफिस में बिताते हो, जितना आप अपने परिवार से बिताते हो, अपने बच्चों से बिताते हो, एक क्वालिटी टाइम कम से कम टाइम नहीं बिताते, तो आपको वो हिम्मत नहीं आता प्रभु के सामने आकर बात करने की। माँ बाप से बच्चे कोई छुपाते नहीं, सारे चीज़ें खुल के बताते हैं। चोट लग जाता है, बोलते हैं डैडी मुझे यहाँ चोट लग गया, डैडी मुझे स्कूल में टीचर कहती है ये ला, इस तरह बच्चे सब कुछ बोलते हैं मम्मी डैडी से। हम भी प्रभु से सब कुछ बताना है। जब मुश्किल आए प्रभु सहायता कर, जब अच्छा है अपनी मर्जी करने के लिए प्रभु आप तो मुझे नहीं चाहिए, साइड में आ रह जा, बाद में देखेंगे, जब मुझे मुश्किल आए ना तब मैं आपको चिल्लाऊंगी यीशु, तब आ जाओ यीशु यीशु कहकर, तब आ जाओ, तब मुझे आशीष दो, बाद में मैं मेरी मर्जी करूंगा। ऐसा करने से वहां प्रभु नहीं रहेगा। याद रखो, प्रभु की आज्ञा नियम को पूरी तरह से मानना है, सीखना है और पूरे मन से प्रार्थना करना है। यहाँ लिखा है वचन 9, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। क्या? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। कई लोग पूछते हैं, पास्टर जी मैं विश्वास में बढ़ना चाहती हूँ लेकिन शैतान गिरा देता है, बाइबल पढ़ने नहीं होता, प्रार्थना करने नहीं होता, किस तरह से मैं आगे बढ़ूँ, किस तरह से अपना जीवन को पवित्र बनाए रखूँ। यहाँ लिखा है जवाब, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। सावधान, विश्राम कहते हैं स्कूल में, बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चे पीटी में, टीचर असेंबली में करते हैं, करते ही एक सर चिल्लाते हैं, पीटी सर सावधान कहते हैं, दोनों लेग स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट, विश्राम कहने से हाथ पीछे करके पैर दूर रखते हैं। सावधान मतलब अटेंशन, प्रभु के वचन में अटेंशन। आज संडे चर्च को जाना है, सब लोग अटेंशन, चलो सब काम बाजू रखो, चर्च चलो, उपवास प्रार्थना है शुक्रवार शाम को, टाइम हो रहा है, चलो जल्दी जल्दी चलो, 6 बजने वाला है, चर्च में मीटिंग है, अटेंशन। जब गूगल मीट होता है 9 बजने वाला है, हमें मीटिंग में जुड़ना है, अटेंशन।
जो लोग ये अटेंशन देते हैं प्रभु के वचन के लिए, सुनने के लिए, चर्च में, गूगल मीट में, क्या बोलते हैं हम, वचन ही बोलते हैं ना, वचन के लिए जो लोग, परमेश्वर का दास आज हमारे लिए एक वचन प्रभु की ओर से हमें लाया है, हमें ये सीखना है, ये बातें हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। जो लोग नम्र दिल से उस बातों को लेते हैं, पास्टर जी हमें बोलिए हम सीखेंगे, उनको प्रभु बहुत आशीष देता है, उनको सब कुछ देता है। जो लोग वो नम्र दिल से वचन सुनने के लिए आते हैं हाथ जोड़कर आशा के साथ, उनको सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने वचन पे परमेश्वर के दास का आदर किया, इज्जत दिया और उस समय को प्रभु के लिए उन्होंने अपने परिवार के साथ वचन सुनने आए हैं प्यार से। आंध्रा में ना जब भी मीटिंग चलता है लोग दौड़ के आते हैं। आज गुरुवार है, एक पास्टर जी ने वैजाग आंध्रा में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मीटिंग लगाया। कई लोग मसीह लोग छुट्टी लगा के पूरे परिवार के साथ मसीह लोग गए मीटिंग में। जिसको आशा है, जिसको वचन सुनने की आशा है, जिसको प्रभु से समय बिताने की आशा है, वो लोग दौड़ने लगे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। तो वो आशा कहते हैं, मैं अपना जीवन को बदलाना चाहता हूँ, एक परमेश्वर का दास बहुत पैसा खर्चा करके मीटिंग लगाया है हॉल में, फंक्शन हॉल में, सुबह वो सब कुछ छोड़कर हमें सिखाने आ रहा है हमारे गांव में, क्यों हम नहीं जाए, क्यों नहीं सीखे, हम जाएंगे सीखेंगे। जो लोग अपना काम साइड में रख के प्रभु के पास जाते हैं ना, उनको प्रभु इतना ब्लेस करता है आप पूछो मत, इतना ब्लेस करेगा। लेकिन जो लोग मानते हैं हाँ अभी टाइम नहीं है, अभी बच्चों को स्कूल है, कौन छुट्टी लेगा, काम छोड़ दूंगा तो मेरा पैसा कौन देगा, मेरा लॉस ऑफ पे होगा, हाँ बाद में देखेंगे, और कभी छुट्टी के दिन आए तो पास्टर से हम वहाँ जाएंगे वचन सुनेंगे, ऐसा हल्के से मत रहना। ऐसा रहने से आशीष नहीं मिलता, सीरियस रहना। आज मैं आपसे बोल रहा हूँ बी सीरियस, अपने भक्ति को सीरियस से करो, टाइम पास से मत करो भक्ति, सीरियस से करो। सीरियस से करने वालों को परमेश्वर बहुत आशीष देता है। मैं पूरे मन से तेरी कोज में लगा हूँ, वचन 10, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। देखो मैं पूरे मन से तेरी कोज में लगा हूँ, पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढना है। कैसा? पूरे मन से, पूरे मन से जो लोग ढूंढते हैं प्रभु को सुनने के लिए, प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए, परमेश्वर के दास के द्वारा ही प्रभु बोलता है मोस्टली 90% आपके लिए, ठीक है, अभी आप सीखने के स्टेज में हो, तो वो दास के मुंह में से आने वाली बातों के लिए दौड़ना है। यिर्मयाह से कहता है मैं जो भी बोलूं उसे तुझे बोलना चाहिए। ये कहता है प्रभु मैं लड़का हूँ, मैं बालक हूँ, कौन मेरी बातें सुनेगा, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैं तुझे जातियों के लिए, लोगों के लिए भविष्यद्वक्ता ठहराया है, तो इसीलिए मत कहना कि मैं लड़का हूँ। मैं किसी के पास भेजूँगा, वहाँ जाएगा तो मेरी बातें जो मैंने बोला है उसे बोलना पड़ेगा, तो उनको देखकर मत डरना, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। मतलब तू लोगों को देखकर कभी भी मत डर, जो बातें मैंने तुझे बोला है तुझे बोलना चाहिए, अगर वो लोग माने ना माने बोलना ज़रूरी है। क्यों बोलना ज़रूरी है? क्योंकि उनको पता चलना है कि ये परमेश्वर की बातें हैं। और यहाँ लिखा है यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और मुझसे कहा देख मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। ये मैंने जब फास्टिंग प्रेयर में चर्च में, जब मैं चेन्नई में था, रात के टाइम में प्रेयर करता था फ्राइडेज चर्च होने के बाद 2 बजे 3 बजे, मैं कई बार ये वचन प्रभु मुझसे यही अध्याय से बात करते हुए, मेरे होठों को छूते हुए मैंने कई बार महसूस किया है। वो टाइम में यही बात बोल रहा था प्रभु मैं बोल नहीं सकता, प्रभु मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, लोगों से बात करने के लिए बहुत शर्माता था, प्रभु मैं बोल नहीं सकता, मैं कैसे तेरे सेवा करूँ, प्रार्थना नहीं करूँगा, वचन नहीं बोलूँगा, ये सब मेरे से नहीं होता, मंच पे खड़ के मैं नहीं कर सकता, ऐसा ही मैं बोलता था। लेकिन प्रभु ने कहा मैंने देख मैंने अपना वचन तेरे मुँह में डाल दिया है, मैंने यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुँह को छुआ। हालेलुया, परमेश्वर ने छुआ है। जब परमेश्वर छूता है परमेश्वर के दास के होठों को, तभी परमेश्वर का दास वो परमेश्वर की वचन को बोल पाएगा। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। जब प्रभु का वचन मैं बोलता हूँ वो मैं नहीं, प्रभु बोल रहा है आपसे, संतोष नहीं बोल रहा है, ठीक है। पास्टर जी क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों हमें डांटते हैं, वचन में लिखा है देखो, उन्हें गिराने, टा देने के लिए, नष्ट करने, काट डालने के लिए,
और उन्हें बनाने और रोकने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है। ठीक है, परमेश्वर का वचन, कभी कभी हम पाप करते हैं, वचन हमें काटता है, बनाता है और क्या करता है, रोकने मतलब टूटे हुए को फिर बांधता है। परमेश्वर का वचन सब कुछ करता है, दोधारी तलवार है। कभी कभी परमेश्वर का वचन से पश्चाताप आता है, कुछ लोग रोते हैं चर्च में वचन बोलने के टाइम में। मैं वचन बोलते रहता हूँ, लोग बैठ कर रोते रहते हैं। क्यों रोते रहते हैं? बोलते हैं कि परमेश्वर हमें चूरा है, मतलब वो बातें उनके दिल में जाकर ना काम करते रहते हैं तब रोते हैं। कुछ लोग पश्चाताप करते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा आता है जब गलती है, प्रभु कहता है इसको छोड़ दे, उनका दिल कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, प्रभु का वचन कहता है छोड़, तब क्या होता है, दिल के बीच में और परमेश्वर के दास के वचन के बीच में लड़ाई होता है उनके अंदर। वो लड़ाई में उनको मालूम नहीं होता क्या प्रभु का बात मानूं या दिल की बात मानूं, उस झंझट में कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बनाता है, हमें क्या है, रोकने के लिए रोकता है, मतलब टूटे हुए दीवारों को बांधता है। आपकी भक्ति कैसा है मुझे मालूम नहीं, क्या आपका भक्ति अच्छा है या आप गिरे हुए हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बनाना चाहता हूँ प्रभु के वचन के द्वारा।